स्वागत है आप सबका। वागले साहब करिए शुरुआत, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने पिक ऑफ द डे के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द मंथ होगा पीएफसी। कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज वीकली क्लोज है और मंथली क्लोज भी होगा, तो मुझे लगता है ये अगले महीने में 7 से 8 से मे बी 10% तक जा सकता है। 109 का बंद है, मेरा 105 का स्टॉप लॉस है और 121 का टारगेट। 105 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये है आपके लिए पीएफसी में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई। मंचन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, माफ कीजिएगा पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले एक अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज से पहले छोटा सा एक अपडेट है। कल आपने एक होमवर्क दिया था गोल्ड पर, उस पर अनिल जी मैं अभी आंसर नहीं कर रहा हूँ, बट कल जब मैं उस हाँ होमवर्क की तैयारी कर रहा था, पूरी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने अनिल जी पाया, देखिए आपका जो क्वेश्चन सवाल था अनिल हाँ जी एकदम स्पॉन्टेनियस था और किसी को समय नहीं मिला, तो जो जैन साहब ने बोला था वो एकदम परफेक्ट निकला। देखिए हाँ 1805 1860 डॉलर के अराउंड गोल्ड निकल रहा है। चार्ट डिस्टॉर्टेड लगते हैं, बट जैन साहब ने जो बोला ना नीचे में सपोर्ट है, और अगर हम वैसे टेक्निकली देखें 1750 1770 1750 1770 एक अहम सपोर्ट है। तो अनिल जी जैन साहब को हैट्स ऑफ है, मतलब कि एकदम से आपने एक स्पॉन्टेनियस सवाल पूछा और उनकी मतलब कि रिसर्च इतनी परफेक्ट थी कि बिल्कुल सब कुछ उनके दिमाग के अंदर था और बड़ा एकदम सटीक और एकदम परफेक्ट आंसर दिया। तो मैं तो यही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जैन साहब की रिसर्च को हैट्स ऑफ है अनिल जी। और अब आता हूँ अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज पर, तो पिक ऑफ द सीरीज अनिल जी L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसने कल एक बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ी है और इस नेकलाइन टूटने के बाद इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाया है 73 पर, थोड़ा डीप है, बट अनिल जी जिस तरीके का मार्केट है, जब इस तरीके की बड़ी नेकलाइन टूटती है तो एक गोल्डन रूल है जो मैंने बनाया हुआ है, जब बड़ी वाली नेकलाइन टूटे तो नेकलाइन के नीचे 3% नीचे की क्लोजिंग आए तो एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो 73 का स्टॉप लॉस है, 92 से लेकर 95 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग मेरा पिक ऑफ द सीरीज है। कुणाल जी बताएं सर आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए मेरी पिक ऑफ द सीरीज, पिछली सीरीज में अनिल जी मैंने अडानी एंटरप्राइजेस को पिक ऑफ द सीरीज बताया था और उसमें अच्छी तेजी बनी है। इस सीरीज के लिए अनिल जी मैंने जो स्टॉक चुना है वो ऑलरेडी काफी तेजी दिखा चुका है। स्टॉक का नाम है नौकरी, यानी कि इन्फो एज, जो कि लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसमें अनिल जी मुझे लगता है कि और बहुत दम बाकी है, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो नौकरी को खरीदे। मुझे लगता है कि यहां पर एक 4,000 रुपए के आसपास इस सीरीज के लिए एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस तरह का स्टॉक का स्ट्रक्चर है, यहां पर 4550 4550 के लेवल्स इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो नौकरी अनिल जी मेरा पिक ऑफ द सीरीज है। शुभम जी आप बताएं आप क्या करेंगे इस सीरीज के लिए। दोस्तों यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो इस सीरीज़ के लिए जो मेरा पिक होगा वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अगर हम इस स्टॉक को देखें तो अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा यहाँ से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो कंसोलिडेशन हम इतने समय से देख रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वो मुझे लगता है कि अब मेच्योर हो चुका है। और जिस तरह से अब रिसेंट डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, और अगर हम पूरे के पूरे FMCG पैक को देखें तो बहुत सारे और कंपनीज़ में भी काफ़ी पॉजिटिव हमने डेरिवेटिव एक्टिविटी भी देखा है, तो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के लिए जो एक अच्छा विकल्प हो सकता है वो होगा HUL, जहाँ पे एक बॉटम पे स्टॉक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चला नहीं है लेकिन इस सीरीज़ में मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है, तो HUL पे खरीदारी की राय होगी। और अगर हम सीरीज़ टारगेट की बात करें, मुझे लगता है कि इसी सीरीज़ में हो सकता है कि 2380 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो 2380 का यहाँ पे टारगेट होगा। HUL को खरीदें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2050 पे। HUL तो पसंद आया है सिद्धार्थ सिडानी साहब को भी, पर उनसे अब जानते हैं उनकी पिक ऑफ द सीरीज। सिडानी साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द सीरीज में कौन सा स्टॉक चुना है आपने। गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली HUL तो बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ से, और बहुत कंसोलिडेट कर चुका, अंडर परफॉर्मर रह चुका मार्केट का, बट आज जो पिक ऑफ द सीरीज लेके आया हूँ
ये भारत इसके कदमों पे चलता है, पर ये कंपनी है बाटा। जी हाँ, बाटा जो फुटवेयर कंपनी है, और बाटा मुझे बहुत पसंद लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि बाटा यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1600 रुपए का टारगेट है फर्स्ट टारगेट। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे सेल्स और वॉल्यूम ग्रोथ आने चाहिए दिसंबर क्वार्टर से। बाटा यहाँ पे बहुत दमदार लग सकता है दिसंबर सीरीज, पिकअप द सीरीज के हिसाब। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपनी पिक ऑफ द सीरीज बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे स्पेशली नजर रखें। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके अच्छा चाल अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लगता है यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा एक चार्ट के ऊपर अच्छा मूव दिखा रहा है, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा 200 DMA के ऊपर निकल रहा है। तो पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 51 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी डिप अगर आता है नीचे में 49 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 46, 47 के आसपास है, और स्टॉक एक बार ऊपर में 55 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो 60+ के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। यानी 55 से 60 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, और ये आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को नजर पे रखें, कोई भी डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें 55 से 60 के टारगेट।